नमस्ते, आज मैं आपके साथ खाने के बारे में बात करूंगी। अभी लॉकडाउन में बोला जा रहा है कि सेहत का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, लेकिन अच्छा माने क्या? तो इन जनरल मैं आपको बताऊंगी, डाइटिशियन तो हूं नहीं, लेकिन इन जनरल बचपन से मुझे खाने के बारे में बहुत ज्यादा लगाव था, तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। रुजुता दिवेकर जी के मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनका एक बहुत ही बढ़िया बुक है, डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट, बहुत ही अच्छा है, आप पढ़िएगा जरूर, मराठी वर्जन भी अवेलेबल है। तो हाँ, मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बताऊं कि हमें एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए इन जनरल। तो अच्छा, ये वीडियो इसलिए हिंदी में बन रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने पिछले वीडियोस पे कमेंट की है कि प्लीज आप हिंदी या इंग्लिश में बात कीजिएगा बिकॉज हमें मराठी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए मैंने सोचा राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करेंगे। और लेकिन उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप मराठी भी पढ़िएगा, आप प्लीज सीखिएगा बिकॉज वो भी एक कमाल की लैंग्वेज है, बहुत ही सीट है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आप अगर ये सीखेंगे तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगेगी। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हाँ, मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया है कि उठने के बाद हमें सबसे पहले पानी पीना चाहिए, गर्म पानी 2 गिलास। उसके बाद आपको आइडियली एक फल खाना चाहिए, कोई भी चलेगा लेकिन फ्रूट खाओ। उठने के बाद 6-7 घंटे से हमारे शरीर को कुछ भी मिला नहीं है खाने के लिए, तो ग्लूकोज की क्रेविंग होती है, तो इसलिए हमें लगता है कि चाय कॉफी इमिडिएटली पी जाए खुद को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए। लेकिन चाय कॉफी से हम हमारी हंगर मार देते हैं, इसलिए वो नहीं पीनी चाहिए, बल्कि हमें फ्रूट खाना चाहिए ताकि हम नेचुरल फ्रुक्टोज भी दे, विटामिन्स भी दे, और हमारा शरीर इस अवस्था में है कि वो ये सारे विटामिन्स वो अच्छी तरीके से अब्जॉर्व करने के पोजीशन में है। तो अच्छी चीजें दो तो वो अच्छी तरीके से अब्जॉर्व करेगा। शुगर खाएंगे तो वो तो मैनमेड है, वो तो अच्छा है नहीं, तो इसलिए दिन की शुरुआत चाय कॉफी से नहीं करनी है। अच्छा, और फ्रूट भी मैं फ्रूट ही खाना सजेस्ट करूंगी आपको, क्योंकि और वो भी ज्यादा ना काटे हुए फ्रूट, लाइक इतने छोटे छोटे अगर पीसेस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, चबा के फ्रूट खाना चाहिए, जूस भी करके नहीं पीना है, क्योंकि आता है मराठीत सांगते, तंतुमय पदार्थ असतात जे फार आवश्यक असतात आपल्या शरीरासाठी, जे जूस केल्यामुळे नष्ट होतात, और इसी वजह से हमें जूस नहीं पीना चाहिए, फ्रेश भी नहीं, रेडीमेड तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए। 6-7 साल हो गए मुझे कोल्ड ड्रिंक छोड़ के। हाँ जी, तो यस, उसके बाद नाश्ता आपको हैवी करना है, एक 15-20 मिनट के बाद फ्रूट खाने के बाद आप नाश्ता कर सकते हो, हैवी कर सकते हो, लेकिन उसके इमिडिएटली बाद भी आपको कुछ भी स्वीट नहीं खाना है। अच्छा, उसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अच्छा, ये आपको पता होगा, आयुर्वेद ने बताया है कि हमें एक टाइम पे बहुत कम पोर्शन खाना है, और कम माने कितना कम, हमारे मुट्ठी जितना ही। हाँ जी, हम बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हमें इतना ही खाना खाना है एक टाइम पे। आप भले ही 2-2.5 घंटे बाद आप खाना खाओ चलेगा, बार बार खाओ, लेकिन एक साथ सब पूरे दिन का खा लिया कोई फायदा है नहीं। उसके पीछे भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है कि हम जब खाते हैं हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कैसे प्रोड्यूस की जाती है, सेम सिस्टम हमारे शरीर का है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम सेव नहीं कर सकते, वैसे भी वैसे ही हम हमारा शरीर एनर्जी सेव नहीं कर पाता है। तो दिन का पूरा एक साथ खा लिया एनर्जी के लिए तो वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास सेविंग वाला पोर्शन है ही नहीं, हम जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी वो पास ऑन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और खत्म करते हैं। ओके, तो इसलिए बार बार खाते रहो, एनर्जेटिक रहो, ठीक है, और आइडियली 3-3.5 घंटे के बाद यानी दिन में 4 पोर्शंस खाने चाहिए। और खाने के बाद स्वीट क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी मैं बता रही थी, क्योंकि हमारा जो खाना है, अच्छा हमारे पास वो 6 रस है, आपको पता है, तीखा है, मीठा है, बिटर है, आपको पता है। तो हमारा जो खाना होता है उसमें से 80% खाना मीठा ही होता है, उसका बेसिक जो टेस्ट है वो मीठा ही है, स्वीट ही है। अब देखिए ना, राइस है या फिर रोटी है, बेसिक आप चबाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अच्छा हाँ, बेसिक टेस्ट तो इसका स्वीट ही है। तो जो भी हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं
ग्लूकोज की है, कार्ब्स की है, प्रोटीन्स की है, जो भी है हमने पूरी कर दी है ऑलरेडी खाना खा के। हाँ बहुत कम है एक्चुअली आवश्यकता है, तो हमने ऑलरेडी पूरी कर दी है। उसमें से आप ऊपर से अगर स्वीट डिजर्ट खाएंगे यानी आम्रखंड या रसमलाई गुलाब जामुन, तो वो क्या होता है एक्स्ट्रा वाला आ गया ना, वो तो स्वीट आ गया, तो हमारा शरीर सोचता है इसको इसका क्या करें, एनर्जी तो खैर वेस्ट ही करने वाला है, लेकिन वो फैट्स वाले सेक्शन में जाता है, वो फैट्स क्रिएट करता है फैट्स वाले कंपार्टमेंट में जाके, और इस तरह हम अपना फैट्स बढ़ाते रहते हैं जो कि बिल्कुल ही रिकमेंडेबल नहीं है। तो अगर आपको स्वीट खाना ही है, जैसे कि मुझे खाना ही होता है, तो सजेशन ये है कि खाने के 2 घंटे पहले या फिर खाने के 2 घंटे बाद आपको स्वीट खाना है, तो मैं क्या करती हूँ, गुलाब जामुन अगर बने हैं तो 12 बजे खा लेती हूँ और 2 बजे फिर लंच कर देती हूँ, या फिर 4 बजे खाती हूँ, या फिर डिनर से आप समझ गए, ठीक है, 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद आपको स्वीट खाना है। खाने के इमिडिएटली बाद स्वीट खाना बिल्कुल भी